अफ्रीका का सबसे फुर्तीला शिकारी। सबसे बड़ा कलाबाज जो छलांग लगाकर ही किसी उड़ते हुए परिंदे को दबोच देता है। इस युवा नर को भूख लगी है, लेकिन ये बहुत थक गया है। हालांकि ये सिर्फ 1.5 फुट लंबा है, लेकिन इसके पिछले पैरों में इतनी ताकत है कि ये 10 फुट की ऊंचाई तक छलांग लगाकर किसी उड़ते परिंदे को दबोच सकता है। नीचे गिरने पर चोट ना लगे, इसके लिए इसके पैरों के पैड वाले जोड़ शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। लेकिन इसका शिकार भी कम उस्ताद नहीं है। ये है गिनी मुर्गी, अफ्रीका का एक सबसे तेज भागने वाला परिंदा। इसकी आंखें सिर के दोनों किनारों पर होती हैं, जिससे इस मुर्गे ने उस कैरकल को हमला करने से पहले ही देख लिया। लेकिन जब भी ये मुर्गी भागती है, कैरकल उसे अपनी सतर्क इंद्रियों की मदद से ढूंढ निकालता है। इसकी सूंघने की शक्ति कमाल की होती है और आंखें दिन हो या रात अच्छी तरह से देख सकती हैं। लेकिन इसका खुफिया हथियार है इसके दो लंबे कान, जो बेहद संवेदनशील होते हैं और उन्हें कम से कम 20 अलग अलग मांसपेशियां चलाती हैं। ये अपने हर कान को अलग अलग घुमा सकता है और उसकी मदद से करीब 200 मीटर दूर से ही अपने शिकार की पहचान कर सकता है। अभी ये 10 मीटर दूर से ही घास में होने वाली हल्की सी आवाज को भी सुन सकता है। करीब 5 किलो की ये मुर्गी 20 फुट प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग सकती है, लेकिन इस बार कैरकल इतना करीब था कि भाग पाना मुश्किल था। अब तो भागने का बस एक ही रास्ता है, ऊपर। गिनी मुर्गी करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है, लेकिन ये बेचारी एक बार में 30 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं उड़ सकती है। जैसे ही मुर्गी नीचे आई, कैरकल तैयार था। ये संघर्ष मिनट भर भी नहीं चला। जैसे ही कैरकल ने मुर्गी के श्वास नली काटी, दम घुटने से उसकी मौत हो गई।